सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे आपको लेटेस्ट फाइनेंस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। नमस्कार, मेरा नाम मुकुल है और एसेट योगी में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो एक सीरीज का पार्ट है जहां पे हम स्टार्टअप फंडिंग डिस्कस कर रहे हैं। ये सेकंड वीडियो है इस सीरीज में। पहले वीडियो में हमने स्टेजेस ऑफ स्टार्टअप फंडिंग डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप उसको जरूर देख लें। लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि ये वीडियो कॉन्टिन्यूटी में चल रहा है तो आपको वो वीडियो देखना थोड़ा सा जरूरी है जिससे आपको ये पूरा डिस्कशन अच्छे से समझ में आ जाए। इनफैक्ट ये दोनों ही वीडियोस हमने गोवा में शूट करे थे 91 स्प्रिंग बोर्ड के हेड ऑफिस में, जो कि एक कोवर्किंग स्पेस होने के साथ साथ स्टार्टअप इंक्यूबेटर भी है। हमारे साथ हैं अभिषेक कक्कर, जो 91 स्प्रिंग बोर्ड में ही है, काफी सारे स्टार्टअप्स के साथ डील करते हैं, और साथ में है अभिषेक डबास जो जोल्ट एनर्जी के सीईओ है। जोल्ट एनर्जी एक स्टार्टअप है अपने आप के अंदर। तो अब दोनों ही साइड का मैं आपको एक्सपीरियंस देना चाहता था, एक तो इन्वेस्टर साइड का और एक स्टार्टअप साइड का, जिससे कि आपको एक ओवरऑल एक्सपोजर मिल जाए स्टार्टअप फंडिंग का। तो इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे, जब कोई स्टार्टअप फंडिंग रेज कर लेता है, इन्वेस्टर्स उसके अंदर पैसा डाल लेते हैं, तो उनके लिए एग्जिट ऑप्शंस क्या क्या होते हैं, किस तरीके से वो अपने रिटर्न्स लेते हैं। अगर आप कोई स्टार्टअप है तो आप अगर किसी इन्वेस्टर के पास जाते हैं तो इन्वेस्टर एक स्टार्टअप के अंदर क्या क्या देखता है फंडिंग देने से पहले, कितना समय लग जाता है फंडिंग रेज करने में, मीडिया का क्या रोल होता है फंडिंग के अंदर, और आपको क्या फंडिंग रेज करनी भी चाहिए या आपको सीधा प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर ध्यान देना चाहिए, इन्हीं सारी बातों को हम डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं। अब ये तो चलिए एक बात हो गई कि हमने पैसा रेज कर लिया, किसी कंपनी ने पैसा रेज कर लिया, उसके बाद इन्वेस्टर के एक्सपेक्टेशंस भी होते हैं जी। एक इन्वेस्टर ने अगर पैसा लगाया है तो वो उसको बेचेगा भी, तो ये एग्जिट ऑप्शंस क्या होते हैं? इफ आई कैन सिंपली पुट इट, इट इज अ गेम ऑफ टेकिंग बोल्ड बेट्स एंड गेटिंग हायर रिटर्न्स। एग्जिट ऑप्शंस कुड आईपीओ, लिस्टिंग इन पब्लिक मार्केट्स, स्टॉक मार्केट्स, मर्जर्स। ओके, एक सिमिलर कंपनी है जो सिमिलर डोमेन में सिमिलर कस्टमर सेगमेंट को टारगेट करती है। कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो मर्जर के अंदर अगर मैं बात करूं, मेक माई ट्रिप और गो आईबीबो का मर्जर हुआ था। ओके, सो द टॉप वन एंड टू पोजिशन प्लेयर्स इन ऑनलाइन ट्रैवल बिजनेस, ओके, वो मर्ज टू मेक द लार्जेस्ट एंटिटी, राइट, बिकॉज उन दोनों आपस में ही फर्स्ट स्पॉट के लिए कम्पीट कर रहे थे। ओके, दे मर्ज टू मेक अ लार्जर एंटिटी, दैट इज देयर। और ये बायआउट और आईपीओ का, अगर हम आईपीओ की बात करूं तो इन्फीबीम इज वन ऑफ आवर टॉप एग्जांपल्स। नौकरी इज अ पोस्टर चाइल्ड फॉर टेक्नोलॉजी कंपनीज गोइंग फॉर एन आईपीओ। फ्लिपकार्ट जो एक्विजिशन हुआ है, वी ऑल नो अबाउट इट, वॉलमार्ट ने एक्वायर किया है, बिल्कुल। देन देयर आर ऑप्शंस ऑफ अर्ली स्टेज इन्वेस्टर्स गेटिंग बॉट आउट बाय लेट स्टेज इन्वेस्टर्स। अच्छा, जिन्होंने पहले पैसा डाला जी, और जिन्होंने बाद में डाला उन्होंने उन्हीं का शेयर खरीद लिया। पहला शेयर लेकर के, बिकॉज दे ऑल्सो हैव टू मेंटेन लिक्विडिटी इन द कंपनी एज वेल एज यू नो गेट एग्जिट, बिकॉज दैट्स द बिजनेस। इनफैक्ट मुझे इससे ये ध्यान आ रहा है, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, बट ये जब पैसा डल रहा है कंपनी में तो उसके लिए स्टार्टअप की वैल्यूएशन होती है, एक कंपनी की वैल्यू लगाई जाती है। उसके लिए मैं एक सेकंड वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम ये वैल्यूएशन कैसे लगती है, प्री मनी पोस्ट मनी कैसे होता है, वो हम बात करेंगे, वो थोड़ा सा डिटेल में एक नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो अब हमने ये चार स्टेजेस तो समझ ली कि ये कैसे कैसे स्टार्टअप की स्टेजेस आती हैं और कैसे कैसे पैसा रेज होता है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अगर कोई स्टार्टअप इन्वेस्टर के पास जाता है तो इन्वेस्टर देखता क्या है स्टार्टअप में? डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पे डिफरेंट डिफरेंट मैंडेट होती है, एलिजिबिलिटी और सिलेक्शन क्राइटेरिया अगर हम बोलना चाहें तो वो होता है। पहली चीज हम इंडस्ट्री को देखते हैं, वो इंडस्ट्री के अंदर ग्रोथ कैसा है। ओके, फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक ऑफ 2006 एंड 7, ई कॉमर्स वाज अ सनराइज सेक्टर, इज स्टिल इज इज अ सनराइज सेक्टर इन 2006 एंड 7। तो उसके अंदर जो ई कॉमर्स में कंपनीज आ रही थी उनके ऊपर बोल्ड बेट्स थे, ठीक है। आज की डेट में डीप टेक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ऑटोमेशन, लेवरेजिंग टेक्नोलॉजी इन बिजनेस प्रोसेसेस इज वन ऑफ दोस यू नो राइजिंग सेक्टर्स। हाँ, इन पर हर बार आई थिंक ये एक वेव आई है। एग्जैक्टली, चार पांच साल तक, तीन चार साल तक वो चलता रहता है। टेक्नोलॉजी एडवांस कर रही है जी, नए नए एवेन्यूज बन रहे हैं, नए नए बिजनेसेस ग्रो कर रहे हैं, देर आर बेटर बिजनेस मॉडल्स, बेटर प्रोडक्ट्स कमिंग इन द मार्केट। ओके, तो उस तरीके से एवोल्यूशन हो रहा है, एंड ऐसे ही हर इन्वेस्टर अपना एक सेक्टर फोकस बनाता है। ओके, सेक्टर फोकस के बाद
टीम इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर. फाउंडर्स का एक्सपीरियंस, फाउंडर्स का पैशन उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. व्हाई आर दे टारगेटिंग दैट प्रॉब्लम स्टेटमेंट? हाँ, कि स्केलेबल है भी कि नहीं इतना. स्केलेबिलिटी इज वन. एट द सेम टाइम व्हाई आर दे चूजिंग दिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट इन आउट ऑफ एवरीथिंग एल्स इन द वर्ल्ड? व्हाट इज दिस पैशन बिहाइंड सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम? राइट. अगर हेल्थ केयर में कोई इशू है, मेरा पैशन क्या है उसको, क्या मेरी कैपेबिलिटीज क्या है? दीज आर सर्टेन थिंग्स दैट एन इन्वेस्टर आल्सो लुक्स इनटू एन एंटरप्रेन्योर. शायद इन्वेस्टर टफ क्वेश्चंस भी पूछते होंगे जी जब भी कोई प्रेजेंटेशन हो रही है. दैट्स पार्ट ऑफ द गेम. तो यहाँ पे तो हम अभिषेक का भी ओपिनियन ले सकते हैं. कैसा था एक्सपीरियंस जब इनिशियल इन्वेस्टर्स को प्रेजेंटेशन दी थी? सो प्रेजेंटेशन अगेन लाइक मिस्टर कक्कर इज सेइंग कि पैशन देखना होता है कि वो लोग क्यों कर रहे हैं. सो मेरे एक्सपीरियंस में स्टार्टिंग में जब आप बात करते हो, जब कुछ भी नहीं है, सब कुछ एक आइडिया है, ज़्यादा से ज़्यादा एक आपने प्रेजेंटेशन बना के आप उसको चीज उसको बता रहे हो, समझा रहे हो, उस टाइम पे सेक्टर है. मेरे इन्वेस्टर्स को ये चीज़ बहुत अच्छी लगी थी कि हम लोग सोलर में काम कर रहे हैं, विच इज़ क्लीन एनर्जी एंड इट्स अ सनराइज सेक्टर लिटरली. और प्लस उसके बाद टीम थी, क्योंकि फैमिली एंड फ्रेंड्स राउंड था तो थोड़ा सा जानते थे. कुछ मेरे जिनके साथ मैंने एक्चुअली प्रोफेशनली काम किया हुआ था पहले, वो लोग थे. सो वहाँ पे कंप्लीटली एग्री विद हिम ऑन दिस कि टीम थी और सेक्टर था. अगर मैं ग्रोसरीज डिलीवरी, विच इज अ वेरी बिग बिजनेस राइट नाउ, कर रहा होता तो ये लोग नहीं पैसे डालते. तो इट्स एज सिंपल एज दैट. नो मैटर व्हाट माय क्वालिफिकेशंस आर और मेरे को कितना भी जानते, ये नहीं थे वो लोग, उसके लिए मुझे किसी और से बात करना पड़ता. इनफैक्ट यहाँ से मेरे को एक और सवाल आता है जहन में कि आपको टाइम कितना लगा, जैसे फंड रेज करने में ऑन एन एवरेज कितना टाइम लग जाता है? इनफैक्ट एक अक्कर जी से भी हम बात करेंगे. 6 months कह सकते हैं, क्योंकि प्रोसेस बहुत लंबी होती है, कंप्लायंस होती है, फाइलिंग्स भी करनी पड़ती है. और ये चीजें पहली बार तो नहीं पता होता किसी को. इनफैक्ट इट स्टार्ट्स विद द फर्स्ट पिच. जब इन्वेस्टर पहली बार फाउंडर से उसके आइडिया के बारे में सुनता है, देन इफ बोथ ऑफ देम फील देयर इज अ यू नो कॉमन कनेक्ट, देयर इज अ कॉमन कनेक्ट, देयर इज अ कॉमन इंटरेस्ट, दे गेट इनटू फर्दर मीटिंग्स, अ बंच ऑफ मीटिंग्स हैपन टू अंडरस्टैंड द बिजनेस बेटर. बिजनेस मॉडल क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी कैसे आएगी, ऑपरेशंस कैसे होंगे, स्केलेबिलिटी कैसे आएगी. तो इसमें भी शायद मल्टीपल मीटिंग्स लग जाती है. इसकी प्लानिंग करनी पड़ती है फाउंडर्स को, एंटरप्रेन्योर को, ये सब कुछ समझना होता है, पेपर एक्सेल शीट पे डालना होता है, बिजनेस प्लान बनाना होता है. एग्जैक्टली. उस बिजनेस प्लान के बाद इसकी वैलिडेशन होती है जी. उस वैलिडेशन के बाद ये देखा जाता है कि इसका स्केल कितना होगा, और उस बेसिस पे इन्वेस्टमेंट होती है, डिसीजन आता है. एक बार ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन आ जाता है, असली हार्डवर्क यहाँ से चालू होता है. देर इज कंप्लायंस इन्वॉल्व इन इट, देर इज लीगल कंप्लायंस, फाइनेंशियल कंप्लायंस, रेगुलेटरी कंप्लायंस ऑफ द कंपनी दैट्स इन्वॉल्व, सारी फाइलिंग ठीक से हुई है कि नहीं जी, कंपनी बुक्स एंड अकाउंट्स आर इन प्लेस और नॉट, राइट, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर टेकन लुक्ड आफ्टर. वंस इन सब पे ग्रीन लाइट मिलती है, चेकलिस्ट पूरी होती है, पेपर वर्क होता है, शेयर सब्सक्रिप्शन होता है, फिर उसके बाद पैसा आपके अकाउंट में आता है जो आप फर्दर ग्रोथ के लिए यूज कर सकते हैं. टिपिकली इस पूरे प्रोसेस में 3 से 6 महीने का समय लगता है, डिपेंडिंग ऑन आप किस स्टेज में कितना जल्दी से डिसीजन मेकिंग करके आगे जा रहे हैं. तो थोड़ा सा डरा ज्यादा दिया होगा पर आज की डेट में बहुत सारी चीजें, प्रोसेसेस बहुत सिंपल है. जीएसटी फाइलिंग है, आप कोई भी एक स्टार्टअप एंटरप्रेनर, नई छोटी कंपनी है, उसको वो खुद भी कर सकता है, खुद भी सीख सकता है. बहुत बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, मैं खुद ही संभाल लेता हूँ. और ये थोड़ी सी चीजें जो अपने आप संभाल के रखो तो भी बेटर है, आपकी नजर में भी रहती हैं. अब जैसे बैंक खाता खोलने जाओगे तो आपसे बोर्ड रेजोल्यूशन मांगा जाएगा, वो मांगेंगे तो आपको समझ में आएगा अच्छा ये लगता है. बट किसी को ऑथराइज सिग्नेटरी बना रहे हो कंपनी में तो उसको एक कागज दे के रखो, दिस सो एंड सो इज ऑथराइज टू साइन ऑन माई बिहाफ, ऑन द कंपनीज बिहाफ, ऑन दिस. थोड़ा सा एक कागज बना के रख दिया, फाइल बना ली, उसको बस हो गया, इतना सही है. अब आज जाके मुझसे पूछो पिछले मार्च में मैंने कौन सा बोर्ड रेजोल्यूशन बनाया था, या बना के उस टाइम पे तो मैंने बैंक को भेज दिया था बट मैंने उसकी कॉपी नहीं रखी, तो उसको ढूंढते फिरोगे. या फिर मतलब मेरे को इसलिए प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, सिंपल डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट, डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट बहुत ही है. और हम लोगों ने भी मिस किया है और उसको पीछे जाके सुधारा है, 20 दिन निकल गए उस चीज को जी.
तो अगर हम इसको ब्रॉडली समराइज करें तो मेरे ख्याल से दो चीजों में मेनली टाइम जाता है, एक तो इन्वेस्टर्स को कन्विंस करने में, उसमें शायद कुछ मीटिंग्स लगती हैं, और दूसरा शायद कंप्लायंसेस में, और इसमें शायद 4 से 6 महीने लग जाते हैं एक राउंड रेस करने में। अब यहां मेरे को एक पॉइंट और थोड़ा सा ध्यान आ रहा है, वो है रोल ऑफ मीडिया। अब मैं काफी जगह पे सुनता हूं कि पीआर कराना चाहिए, पब्लिक रिलेशंस पे थोड़ा शायद स्टार्टअप्स को ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पे आप अपना लेट्स से वेबसाइट्स हैं स्टार्टअप्स की जो सपोर्ट करती हैं वहां पब्लिश हो गए, या फिर आप अपने पब्लिक रिलेशंस पे पैसा खर्च करके कहीं कहीं पे आप मेंशन करवा रहे हैं अपना नाम, क्या फंडिंग पे भी उसका असर पड़ता है? इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन एंड नॉट बीइंग डिप्लोमेटिक द आंसर इज यस एंड नो। यस एंड नो, देयर इज नो राइट आंसर, इट्स यस एंड नो। सिंपल सी बात यह है, वर्किंग कैपिटल, ऑपरेशनल कैपिटल, सेटअप कॉस्ट वगैरह सब कुछ कवर करने के बाद अगर पैसा है तो मार्केटिंग और पीआर में लगाइए, एडवर्टाइजिंग में लगाइए, जो जरूरी है, गेटिंग राइट अमाउंट ऑफ कस्टमर्स, गेटिंग द राइट काइंड ऑफ आईबॉल्स, अटेंशन टू योर ब्रांड, ठीक है। लेकिन अगर नहीं है तो ऐसा नहीं कि लाइफ नहीं चलेगी, ओके, यू कैन स्टिल रेज फंड्स। इन्वेस्टर्स टिपिकली एंड एसेंशियली इन्वेस्ट ऑन द मेरिट ऑफ द कंपनी, फाउंडर्स, प्रोडक्ट, स्केलेबल मार्केट, बिजनेस मॉडल एंड व्हाट इज द कंपेटिटिव एडवांटेज। हाँ, इनफैक्ट अगर आपको पीआर मिल जाता है और आपकी थोड़ी सी मार्केटिंग हो जाती है तो बुरा नहीं है, बट जरूरी नहीं है। यस, सो माय एडवाइस इज डोंट शाय अवे फ्रॉम फ्री पीआर और लाइक रीजनेबली यू नो कॉस्टेड पीआर, बट ओके, डू नॉट हैव टू वरी अबाउट पुटिंग अ स्पेसिफिक बजट अराउंड इट। अच्छा, अब ये लास्ट पॉइंट अब हम थोड़ा सा बात करते हैं। हमने देखिए फंडिंग की बात तो जरूर कर ली, लेकिन हर चीजों के प्रोज होते हैं कॉन्स होते हैं, तो फंडिंग क्या जरूरी है हमें सही में रेज करना, या फिर हम जल्दी से जल्दी प्रॉफिटेबल हो सकते हैं और अपनी ही कैपिटल री इन्वेस्ट करके अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं? मतलब इसमें आपकी क्या राय है कि फंडिंग रेज करना ही सबसे पहला कदम होना चाहिए हर स्टार्टअप के लिए, या फिर वो प्रॉफिटेबिलिटी पे पहले ध्यान दें? देखा जाए तो अगर आप के इन्वेस्टर आप इस सेक्टर में हैं जिसके अंदर ग्रोथ, कस्टमर एक्विजिशन, मार्केट कैपिटलाइजेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट, एट दैट पॉइंट यू हैव टू रेज मोर मनी टू एक्वायर मोर कस्टमर्स, इंश्योर दैट दे आर रिकरिंग कस्टमर्स, रीमार्केटिंग इज अ बिग कॉस्ट, इट इज इम्पॉर्टेंट। ट्रैक टू प्रॉफिटेबिलिटी इज अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट। इफ यू वॉन्ट टू बिल्ड अ कंपनी लाइक फ्लिपकार्ट, you have to be in the long haul, you have to spend money to acquire customers. When Flipkart began, India was just getting into e-commerce, just seeing the first, the getting the first scent of what e-commerce, ordering online, sitting in my drawing room would feel like, right? But today it's like a day-to-day thing. So today that's why their value is basically $22 billion. मैं एक अलग तरीके से बोलना चाहूंगा, क्योंकि जो हम path to profitability की बात कर रहे हैं तो बहुत बार एक you know conflicting opinion आता है कि should I pursue growth, मैं growth को pursue करूं या मैं profitability को करूं, अगर मैं profitability के पीछे जाऊंगा तो मैं grow नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए सारी e-commerce companies अपना पैसा उड़ाए जा रही हैं, negative में बेच रही हैं, कुछ भी कर रही हैं। तो ये एक्चुअली बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है, ये भी प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ बढ़ रही है, ये भी बढ़ रही है। इट डिपेंड्स कि अगर मैं बहुत बड़ी मार्केट के हिसाब से कर रहा हूँ तो मेरा पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी जो अभिषेक बोल रहा था वो क्लियर होना चाहिए, तभी उसके सीरीज ए बी सी डी ई एफ सब कुछ हो रहा है। अगर वो इन्वेस्टर्स को नहीं दिख रहा है रास्ता, वो फाउंडर्स को नहीं दिख रहा है रास्ता, वो क्लियर नहीं है, और या बीच में बहुत सारे हर्डल्स हैं, तो वो भी पैसा नहीं डालेंगे, पैसा उनके पास भी मतलब फ्री का तो पड़ा नहीं हुआ है जी, है ना। तो दोनों केसेस में प्रॉफिटेबिलिटी की ही बात कर रही है। एक में है कि मेरे को इस साल प्रॉफिटेबल होना है, 2 साल बाद होना है, या एक में विजन इतनी लंबी है कि हाँ ये मार्केट इवेंचुअली लोग पैसा देना शुरू कर देंगे इस चीज का, उनकी आदतें बन जाएंगी, जैसे ऊबर में दे रहे हैं। हाँ, तो मेरे ख्याल से ये एक इट्स अ डिबेट, डिबेट है ऑन बिजनेसेस, बिजनेस को भी चूज करना पड़ता है, इन्वेस्टर्स को भी शायद चूज करना पड़ता है कि अभी हमें ग्रोथ पे फोकस करना है या हम जल्दी से प्रॉफिटेबल हों। यस, बट सस्टेनेबिलिटी इज मोर इम्पॉर्टेंट, सो इफ यू हैव टू बी प्रॉफिटेबल टू बी सस्टेनेबल, व्हाई नॉट। आई हैव सीन बिजनेसेस व्हिच हैव चोजन प्रॉफिटेबिलिटी वर्सेस जस्ट गोइंग फॉर ग्रोथ एंड रेजिंग फंड्स। फ्रेश वर्क्स, फॉर्मली नोन एज फ्रेश डेस्क, इज वन
homegrown company which has been profitable and has not raised capital. In fact, यहाँ पे मैं agree कर रहा हूँ दोनों से, तो यहाँ पे हम decide कर सकते हैं कि हमें growth पे focus करना है या profit पे focus करना है. हाँ, definitely ये debate तो चलती ही रहेगी. इस वीडियो से मुझे भी काफी सीखने को मिला. By the way, Mukul, this is not a discussion for you, me and Abhishek. This is a discussion between the entrepreneur, their investors, their advisors, and their understanding of what their customers want, and then go forward. हाँ, बट हमारा सिर्फ मुद्दा ये था कि हम ये बस रेज कर दें जिससे लोगों को पता हो कि इस तरीके के मुद्दे आते हैं, है ना. तो मेरी काफी लर्निंग हुई इनफैक्ट इस वीडियो के दौरान, इस इंटरेक्शन के दौरान अभिषेक कक्कर से और अभिषेक डबास से. तो आई होप आपको भी ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपकी भी कुछ लर्निंग हुई, तो इसको लाइक और शेयर जरूर करना. अगर आप ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप एसेट योगी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे. नेक्स्ट वीडियो अब हम स्टार्टअप वैल्यूएशन पे बनाएंगे, तो आप उस वीडियो को जरूर देखना. तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, कमाते रहिए और हमेशा की तरह खुश रहिए.